हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो अभी मैं एसबीआई क्लर्क का ये मॉक टेस्ट करने वाली हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 5 है गाइडली का और ये लाइव मॉक टेस्ट में है, तो अभी मैं ये अटेम्प्ट कर रही हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले पैसेज है, इसको स्किप करेंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो भी होते हैं ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे दिखा इवेंचुअली गेट एडिक्टेड टू इट, यूज टू इट, डिटैच नहीं होगा, हुक्ड नहीं होगा, क्या हो सकता है यहाँ पे, एडिक्टेड यूज टू इट हो जाएगा। देन पैसेज के क्वेश्चन, बाकी यहाँ पे इनहेंस करना मतलब एंटोनिम बताना है, इंक्रीज करना ठीक है, रेनफोर्स सेम है, डिमिनिश करना मतलब अपोजिट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स टू मेक अ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। द दिल्ली हाईकोर्ट टोल्ड द पुलिस टू कंप्लीट द प्रोब टू ड्यूरिंग टू कंसर्न द प्रोब टू इन्फ्लुएंस, तो नहीं हो सकता, टू कंप्लीट द प्रोब इन अ केस कंसर्निंग द डेथ ऑफ अ मैन हु वाज फोर्स्ड टू सिंग द नेशनल एंथम ड्यूरिंग द 2020 रायट्स विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी साइड। तो यहाँ पे कोई मुझे चेंजेस नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पे नो चेंज रिक्वायर्ड होगा। द सुप्रीम कोर्ट विल प्रोनाउंस इट्स जजमेंट ऑन पेटिशन ऑन इम्प्लीमेंटेशन, फॉल्टी तो होगा नहीं, प्रोनाउंस ही है। इट्स जजमेंट ऑन अ के साथ इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ सकता, क्योंकि ए के साथ में यहाँ पे एन आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन लिखा है तो वो तो हो नहीं सकता है। सो इम्प्लीमेंटेशन अ पेटिशन क्लेमिंग दैट, तो बी और सी को अगर चेंज करते हैं, क्लेमिंग दैट द गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन, ठीक है ये सही हो जाएगा। द विश्वा भारती रजिस्ट्रार पुट इन हिज पेपर्स इवन एज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कॉन्टिन्यू, तो ए और डी को चेंज कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिन्यू डिमांडिंग द री ओपनिंग ऑफ हॉस्टल्स एंड होल्डिंग ऑनलाइन एज अपोज टू ऑफलाइन एग्जाम्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। द सुप्रीम कोर्ट बिगेन हियरिंग एन लिखा है, तो यहाँ क्या आएगा, जो भी वॉवल से स्टार्ट होगा तो एन अपील होगा, तो बीसी को तो पक्का ही चेंज करेंगे और एडी को चेंज चेक कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट बिगेन स्मेल्टिंग एन अपील लेड बाय द वेदांता लिमिटेड अगेंस्ट द मद्रास हाईकोर्ट्स हियरिंग टू री ओपन, मद्रास हाईकोर्ट्स हियरिंग होगा ठीक है, तो ये हाँ, मद्रास हाईकोर्ट्स रिफ्यूजल टू री ओपन इट्स स्टारलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, ये सही लिखा हुआ है, तो एडी को चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे फिलर्स करते हैं। पजल्स आर अ ग्रेट चॉइस एज आर सिंपल आर्टिस्टिक्स, पजल्स आर अ ग्रेट चॉइस आर एज आर सिंपल आर्टिस्टिक सप्लाइज एंड डैश प्ले इन एक्सलेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ दिस एज एंड फिजिकल प्ले एंड आउटडोर प्ले इनडोर प्ले, प्रिटेंड ड्रॉइंग तो होगा नहीं, इंडोर हो जाएगा। द ब्रिटिश इम्पोज्ड सम रूल्स ऑन ड्रेसिंग इन ऑर्डर टू डैश द डिफरेंस बिटवीन द न्यू रूलर्स ऑफ इंडिया, सम रूल्स ऑन ड्रेसिंग इन ऑर्डर टू सिग्निफिकेंट द डिफरेंस, इम्फेसाइज द डिफरेंस हो सकता है, टू पुट ऑफ द डिफरेंस का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, टू ब्रिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन, इम्फेसाइज द डिफरेंस बिटवीन द रूलर्स, टू सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा। The British imposed some rules on dressing in order to emphasize the difference between the new rulers of India. Significant the difference or put off नहीं होगा, ठीक है, bring on the difference between, इसमें मेरे को थोड़ा confusion लग रहा है, bring on to emphasize the difference, यही मेरे को ठीक है, यही टिक करते हैं, बाकी बाद में consider कर लेंगे। With the WHO announcement coming in dash the festive season against the since the festive for the festive season during the festive season, ये हो सकता है, people have taken to during the festive season, the candidate's photograph and signature should be dash visible, clearly visible हो जाएगा यहाँ पे, और lucid visible तो हो नहीं सकता है, apt visible नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे adverb चाहिए। next क्या है यहाँ पे, इसको मैं अभी करती हूँ skip, parasymbol ये कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आइदर रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट, ठीक है, दे नीड टू बी अडॉप्ट एट यूजिंग डिजिटल मीडिया एंड टेक अप द चैलेंजेस ऑफ डिवाइजिंग न्यू फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूज, न्यू फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूज, तो फॉर्मेट्स ऑफ प्रेजेंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं लग रही है। चैलेंजेस ऑफ डिवाइजिंग
न्यू फॉर्मेट्स, दे नीड टू बी एडॉप्ट, दे नीड टू बी एडॉप्टेड एट यूजिंग, दे नीड टू बी एडॉप्ट, यहां पे वर्ब चाहिए ना, तो दे नीड टू बी एडॉप्टेड एट यूजिंग, तो एडॉप्टेड होना चाहिए मेरे हिसाब से. फॉर ऑल द पॉम्पस स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, प्रोमिसेस ऑफ आर्म्स सप्लाई बींग मेड एंड इंटेलिजेंस इनपुट्स दैट मस्ट बी गेटिंग ट्रांसमिटेड, इंटेलिजेंस फॉर ऑल द पॉम्पस स्टेटमेंट्स, पॉम्पस स्टेटमेंट्स एंड प्रोमिसेस ऑफ आर्म्स सप्लाई बींग मेड, प्रोमिसेस इंटेलिजेंस ट्रांसमीटर से ही लग रहा है, फॉर ऑल द पॉम्पस स्टेटमेंट्स, इसका मेरे को मतलब इसमें समझ में नहीं आ रहा. रशियाज अटैक कॉन्टिन्यूड एज वर्ल्ड लीडर्स इंटेंसिफाइड की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे. अ बाई पार्टीशन ग्रुप ऑफ यूएस लॉ मेकर्स ऑन थर्सडे अर्ज्ड इंडिया टू स्पीक आउट अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. अ बाई पार्टीशन ग्रुप ऑफ यूएस, अ बाई पार्टीशन ग्रुप ऑफ यूएस लॉ मेकर्स ऑन थर्सडे अर्ज्ड इंडिया टू स्पीक आउट अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. तो इन्वेजन तो सही लिखा है और लॉ मेकर्स भी सही है. बाई पार्टीशन ग्रुप ऑफ यूएस लॉ मेकर्स अर्ज्ड इंडिया, बाई पार्टीशन ग्रुप यहां पे कंटेक्चुअली रॉन्ग है क्या? बाई पार्टीशन ग्रुप ऑफ यूएस इट मे बी. इसको मार्क पर रिव्यू कर देते हैं. और एक क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पे टू बी अडॉप्टेड चैलेंजेस ऑफ डिवाइजिंग न्यू फॉर्मेट्स प्रेजेंटिंग, ये तो सही लग रहा है. और यहाँ पे इंटेंसिफाइड रॉन्ग है, ये वाला देखते हैं बाद में. क्लैरिफाइड की स्पेलिंग ही रॉन्ग है. यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाइड द पार्ट दैट कंटेन्स एरर. चाइना हैड रिलीज्ड वीडियोज ऑफ स्वार्म्स ऑफ क्वाडकॉप्टर drones being used to supply rations and other essential items to personnel deployed close to the border. China had released videos of swarms of squad copter drones being used to supply rations and other essential items to personnel deployed close to border. डिप्लॉयड होना चाहिए मुझे लग रहा है ई में. विद द इंक्रीज इन साइबर क्राइम अक्रॉस द वर्ल्ड द रिपोर्ट रिकमेंड्स अनबर्डन द जुडिशियल सिस्टम बाय क्रिएटिंग लॉज टू रिजॉल्व स्पैनिंग एंड पीपीयू. विद द इंक्रीज इन साइबर क्राइम अक्रॉस द वर्ल्ड द रिपोर्ट रिकमेंड्स अनबर्डन द जुडिशियल सिस्टम बाय क्रिएटिंग लॉज टू रिजॉल्व स्पैमिंग एंड फेक न्यूज. The judicial system by creating laws to resolve. The report recommends unburden the judicial system by creating law to resolve spanning fake news. तो यहाँ पे मुझे कोई error लग नहीं रही है. ठीक है, with the increase ये हो गया. And China had released video of swarms, ये तो हो चुका था. ये our constitution is very clear on the question of freedom of expression and that it has boundaries and ends when it infringes in someone else. Our constitution is very clear on the question of freedom of expression and that it has boundaries, and ends when it infringes in someone's. When it infringes in on someone else, यहाँ पे in नहीं होगा, मुझे लग रहा है E में preposition error है. With the increase in cyber crime across the world, the report recommends unburden the judicial system by creating laws to resolve. By creating laws to resolve spamming and fake news. तो ये वाला question मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं skip करती हूँ. The government has shown its commitment to Guru Seva by constructing the Kartarpur Sahib corridor in which people had been waiting for decades. The government has shown its commitment to Guru Seva by constructing the Kartarpur Sahib corridor in which people had been waiting for decades. इसमें मुझे कुछ एरर लग नहीं रही है.
इसको भी स्किप करते हैं, मुझे एरर पार्ट इसमें काफी टफ लगता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्प्ड केरला प्रमोट टूरिज्म एंड सिमिलरली एवरी स्टेट शुड प्रमोट इट एज दिस पावर वॉज देयर इन द एंटायर कंट्री इन एवरी कॉर्नर्स। ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्प्ड केरला प्रमोट टूरिज्म एंड सिमिलरली एवरी स्टेट शुड प्रमोट इट एज दिस पावर वॉज देयर इन द एंटायर एज दिस पावर वॉज देयर इन द एंटायर कंट्री इन एवरी कॉर्नर्स इन द एंटायर कंट्री इन एवरी कॉर्नर्स इन एवरी कॉर्नर्स। मुझे यहां पे कुछ लग रहा है देयर वॉज देयर इन द एंटायर कंट्री इन एवरी कॉर्नर्स में मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, बाकी तो पूरा सही लग रहा है। यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज शोन इट्स कमिटमेंट टू गुरु सेवा बाय कंस्ट्रक्टिंग द करतारपुर साहिब कॉरिडोर इन विच पीपल हैड बीन वेटिंग फॉर डिकेड्स इन विच पीपल हैड बीन वेटिंग। हमको लग रहा है यहाँ पे रॉन्ग है, हैड बीन प्रेजेंट में बात हो रही है पहले में, तो इन विच पीपल हैड बीन वेटिंग फॉर डिकेड्स। ई में मुझे एरर कुछ लग रही है क्योंकि बाकी सेंटेंस तो सही लग रहा है। With the increase in cyber crime across the world, the report recommends unburden the judicial system by creating laws to resolve spamming and fake news. The report recommends unburden the judicial system by creating laws to resolve spamming and fake news. With the increase in कुछ रॉन्ग लग रहा है क्योंकि बाकी तो सेंटेंस में पूरा सही लग रहा है, बट देखते हैं क्योंकि इसमें मुझे एरर में काफी कंफ्यूजन हो रही है। अब बाई पार्टीशन ग्रुप यहाँ पे मुझे लग रहा है कंटेक्चुअली गलत है। यूएस लॉ मेकर्स ऑन थर्सडे अर्ज्ड इंडिया टू स्पीक आउट अगेंस्ट द रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन। तो बाकी तो सही है, और द पाइप बाई पार्टीशन ग्रुप अगर ये भी सही है, बाई पार्टीशन ग्रुप ये मुझे रॉन्ग लग रहा है कुछ यहां पे। फॉर ऑल द पॉम्पस स्टेटमेंट्स, अगर पॉम्पस सही है तो बाकी इंटेलिजेंस भी सही है, प्रोमिसेस एंड ट्रांसमिटेड तो यहां पे ऑल करेक्ट कर देते हैं क्योंकि मुझे कोई एरर मिल नहीं रही है। पहले पैसेज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फॉर द टाइटल के लिए पूछ रहा है। रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट दैट वन नीड्स टू डेवलप इन लाइफ। गुड बुक्स कैन इन्फॉर्म यू, इनलाइटन यू एंड लीड यू इन द राइट डायरेक्शन। देयर इज नो मैटर कंपेनियन देन अ गुड बुक। रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गुड फॉर योर ओवरऑल वेल बींग। वंस यू स्टार्ट रीडिंग यूर एक्सपीरियंस अ होल न्यू वर्ल्ड। वेन यू स्टार्ट लविंग द हैबिट ऑफ रीडिंग यू इवेंचुअली गेट एडिक्टेड टू इट। रीडिंग डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स एंड वोकैबुलरी। रीडिंग बुक्स इज ऑल्सो अ वे टू रिलैक्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रीड अ बुक एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स ईच डे टू स्ट्रेच द ब्रेन मसल्स फॉर हेल्दी फंक्शनिंग। बुक्स रियली आर योर बेस्ट फ्रेंड्स एज यू कैन रिलाई ऑन देम व्हेन यू आर बोर्ड अपसेट डिप्रेस्ड लोनली और एनॉयड। दे विल एकम्पनी यू एनी टाइम यू वॉन्ट देम एंड इनहेंस योर मूड एंड दे शेयर विद यू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एट टाइम एनी टाइम यू नीड। गुड बुक्स ऑलवेज गाइड यू टू द करेक्ट पाथ इन लाइफ। तो काफी लेंदी पैसेज है, तो इसमें रीडिंग एंड मेक्स अस ह्यूमन, द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ रीडिंग, रीडिंग अ गुड हैबिट, इसी के बारे में बात कर रहा है हम, मुझे तो यही लग रहा है। बूस्ट योर रीडिंग अ गुड हैबिट। विच इज फॉलोइंग द रीडिंग हैज नॉट बीन अ मेंशन इन द पैसेज। कौन सा इसमें बेनिफिट्स नहीं है। डेवलप इमेजिनेशन, इम्प्रूव्स एनालिटिकल स्किल, तो यहाँ पे लिखा है वोकैबुलरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होता है, पॉजिटिव थिंकिंग बिल्ड करता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस, पॉजिटिव थिंकिंग ये तो होंगे ही, इम्प्रूव्स एनालिटिकल स्किल, इसके बारे में देखना पड़ेगा। अच्छा पैसेज जो है वो दो बार दिया गया है यहाँ पे, बहुत लेंदी पैसेज नहीं है, बट देख लेते हैं। पहला पैसेज मैंने पढ़ा था, रीडिंग हेल्प्स इंपॉर्टेंट एंड एक्सेसिव एंड कीप्स माइंड
क्रिएटिविटी इम्प्रूव्स वोकैबुलरी कम्युनिकेशन स्किल्स क्रिएटिविटी ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं और स्ट्रेस को कम करता है ठीक है और क्या चीजें दी गई हैं तो यहाँ पे मुझे एनालिटिकल स्किल्स कहीं पे नहीं दिखा है और इमेजिनेशन डेवलप्स करता है ये भी नहीं तो मुझे ए और बी रॉन्ग लग रहा है। नेक्स्ट व्हाट कैन गुड बुक्स टू डू एन इंडिविजुअल तो यहाँ पे क्या आएगा कि गुड बुक्स प्रोवाइड्स द राइट डायरेक्शन ये तो पहले ही पैसेज में दिया हुआ था और इनलाइटन द रीडर्स यहाँ पे हाँ इनलाइटन द रीडर्स भी दिया हुआ था राइट ये देखो इनलाइटन यू एंड लीड यू गुड बुक्स कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तो ऑल ऑफ देम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कि बुक्स इनेबल यू टू बी ग्लिम्पस इनटू कल्चर्स ट्रेडिशंस यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है डेली इम्पोर्टेंट है एंड यू गेट एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ नॉलेज ठीक है एंड रीडिंग अ गुड बुक्स टेक यू इन अवर न्यू वर्ल्ड एंड डे टू डे स्ट्रेस ये लास्ट में कहीं दिया हुआ था तो ये तो सही है और विच इज नॉट ट्रू अमेजिंग अमाउंट ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है ये वाला तो दूसरा और तीसरा तो दिया है बुक्स इनेबल यू टू ग्लिम्पस ये सब्जेक्ट एंड कल्चर के बारे में लास्ट में दिया हुआ था सब्जेक्ट एंड कल्चर हाँ ग्लिम्पस इनटू कल्चर्स तो यहाँ पे सारे सही हैं ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक क्वेश्चन है व्हाई बुक्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ बेस्ट फ्रेंड्स बट रियली आर बेस्ट फ्रेंड्स एज यू रिलाई ऑन देम ठीक है एज यू रिलाई ऑन देम व्हेन यू आर बोर व्हेन यू आर सिट डिप्रेस्ड सो यहाँ पे फीलिंग अनहैप्पी ओके ये रिलाई ऑन देम व्हेन यू आर सैड और डिप्रेस्ड ये क्वेश्चन बचा है 2 मिनट्स हैं देखते हैं ट्राई करते हैं इसको। दिस स्लरी कैन बी पोर्ड इनटू मॉल्स ऑफ एनी डिजायर शेप एंड ओवर अ फ्यू डेज द बैक्टीरिया कन्वर्ट द यूरिया इनटू क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दीज स्पेस ब्रिक्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन मार्स दैट कुड फैसिलिटेट ह्यूमन सेटलमेंट ऑन रेड प्लैनेट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज डेवलप्ड अ न्यू वे टू मेक ब्रिक्स फ्रॉम मार्टियन सोल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिया तो मुझे सी फर्स्ट लग रहा है क्योंकि और तो कोई नहीं हो सकता तो फर्स्ट तो सी होगा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिस एंड दीज क्रिस्टल्स अलॉन्ग विद द बायो पॉलीमर्स सेक्रेटेड बाय द माइक्रोब्स एक्ट इन सीमेंट होल्डिंग द सॉयल पार्टिकल्स टूगेदर द टीम फर्स्ट मेड द तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज डेवलप्ड अ वे टू मेक ब्रिक्स फ्रॉम मार्शियन सॉयल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड यूरिया एंड द टीम फर्स्ट मेड द स्लरी बाय मिक्सिंग मार्शियन सॉयल तो ई होगा सी ई बैक्टीरियम कॉल्ड समथिंग नेम दिया हुआ है दिस स्लरी कैन बी पोर्ड तो ए आएगा दीज ब्रिक्स कैन बी यूज टू और यहां पे दीज क्रिस्टल्स अलोंग विद तो कौन सा पहले आएगा इनटू क्रिस्टल्स तो मुझे लग रहा है डी पहले आएगा दीज क्रिस्टल्स देन दीज बी वाला लास्ट होगा सो विच इज द लास्ट दैट इज बी विच इज थर्ड दैट इज ए विच इज स्टार्टिंग स्टेटमेंट दैट इज सी विच इज सेकेंड ई विच इज द फोर्थ इज डी मेरे हिसाब से तो यही है बाकी देखते हैं तो इंग्लिश हो चुका है कंप्लीट मुझे एरर के क्वेश्चंस गलत होने के थोड़े चांसेस लग रहे हैं क्योंकि एरर में क्वेश्चंस जो थे वो मेरे को उसमें एरर तो मिल नहीं रही थी बस मैंने गेस वर्क कर दिया समझ लीजिए ऐसा तो सबमिट कर देते हैं सेक्शन क्योंकि अब इसमें क्या ही देखना है जो आता था कर ही लिया है अपने आप होने देते हैं एक सेकेंड ऑलमोस्ट टाइम और होने वाला ही है ओके तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं 8 * 1 - 1 7 * 2 = 14 - 2 तो अगर 3 - 3 करो तो 8 * 3 = 24 - 3 तो कितना हो जाएगा सॉरी अगर 4 से करते हैं तो 4 - 3 तो 12 * 48 48 और 1 मिनट 1 = 8 * 1 - 1 7 * 14 - 2 और सॉरी 12 * 36 होता है क्या मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 12 * 36 - 3 तो 33 हो जाएगा अगला चेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि सही होगा 15 15 * 2 = 30 तो 15 + 5 और 2 25
और यहाँ 5 और 8 में 5 3 35, तो 15 10 25 10 35 10 45 आएगा। नेक्स्ट 135। नेक्स्ट है 90, तो इसको हाफ अगर करोगे, 90 को हाफ करोगे तो पहले किया गया है 0.5 से भाग किया गया है, फिर मल्टीप्लाई एक सेकेंड, डिवाइड किया गया 3 से, देन भाग किया गया 2 से, देन 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके सॉरी गलत हो गया, पहले 2 से मल्टी, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 9 दुनिया 18, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, देन 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 प्लस 36 का एडिशन हुआ है, प्लस 12 में 7 गए 5 और 5 में 3 गए 2, 5 का हो गया 6 का स्क्वायर, 5 का नेक्स्ट 4 का स्क्वायर होगा 16 होगा, तो 6 2 8 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 2 14 प्लस 4 18 प्लस 6 2 8 प्लस 4 30 और 10 4 14 15 16, तो 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32 हो जाएगा नेक्स्ट, तो 4 आएगा और 4 3 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक पी और क्यू दिया गया, ग्राफ में क्या दिया गया, टीवी सोल्ड टू कंपनीज पी एंड क्यू, ओके द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, तो लिखा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी पी ऑफ ऑल द गिवन डेज टुगेदर, कंपनी पी टुगेदर 1 2 3 4 5 का गैप हो और 100, तो 20-20 का गैप है, ठीक है, तो 20 कम कर दोगे 280 और देन 320 400 और 440 10 20 40 60, तो 360, और उसके बाद यहाँ पे 500 में कितना कम है 20, तो 480, तो 0 हो गया, 8 2 10 4 14 6 20 8 28 के 8 2 बचे, 3 2 5 4 9 4 13 और 4 17 17 और 3 20 2 22 1 2 3 4 5 6 6 3 18 औसत पूछ रहा ना, 6 3 18 और 6 48 0 380। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय बोथ कंपनीज टुगेदर ऑन मंडे, मंडे को बोथ कंपनी, तो 280 और 2 2 4 240, 8 4 12 के 2 0 2 2 4 500, 520 हो जाएगा, एंड ऑन सैटरडे, सैटरडे यानी 480 और 20 20 40 20 60 360, तो 0 8 6 14 के 4 3 4 3 7 1 8, तो 2 से 26 42 और 13 और 21 आ जाएगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपोनेंट पी ऑन संडे इज 20% मोर देन द फ्राइडे, पी कंपोनेंट फ्राइडे को कितना है, 2 2 4 2 6 360, इससे 20% मोर होगा अगर, तो 12 6 72 के 2 7 बचे 12 36 और 7 6 13 43 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी पी ऑन मंडे वेडनेसडे संडे, संडे को 432 हो गया और मंडे को कितना है 280 और वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 400 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 8 3 11 का 1 4 4 8 2 10 11 सो 12। फाइंड द डिफरेंस टोटल नंबर टीवी सोल्ड बाय कंपनी पी टू दैट ऑफ क्यू इन ऑल द गिवन डेज टुगेदर, तो पी का पहले निकाला था 2280 आया था, क्यू का निकाल लेते हैं यहां से, 2 2 4 240 और 380 देन 480, उसके बाद 20 20 40 20 60 560 और यहाँ पे 300 और उसके बाद 20 20 40 20 60 360, तो 660 लिख उठा रहे, तो 0 हो गया 6 6 12 8 20 8 28 4 32 के 2 3 2 5 4 9 5 14 6 20 3 23 20 3 23, इसका डिफरेंस कह रहा है, तो 0 और 4 आएगा एंड में, यही इतना हो जाएगा आंसर। टोटल नंबर टीवी सोल्ड बाय बोथ कंपनीज टुगेदर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टोटल कितना होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 400 ये है और 400 और 480 880 हो जाएगा, इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर टीवी सोल्ड बाय बोथ कंपनी बाय फ्राइडे, तो 300 और 3 3 600 2 2 4 2 6 660, तो 660 660 से कितना मोर है, तो 0 2 2 220 ज्यादा है, तो 220 अपॉन 660 0 0 0 गया 22 3 6 6 1 बटा 3
इतना परसेंट मोर हो जाएगा। देन सिंप्लीफिकेशन है और इसको जल्दी से निपटाते हैं। 8, 4, 12, 3, 15 के 5, 6, 2, 8, 1, 9, 10, 105 और 3, 3, 3, 5, 15, 35 सॉरी मल्टीप्लाई करना है 3, 5, 15 के 5, 3, 0, 0, 1, 3, 1, 3। यहाँ पे 6, 4, 10 का 0, 3, 3, 6, 7, 7, 2, 9, 10 का 0, 4, 5, 1, 6 और 3, 4, 5, 5 तो 5 हो जाएगा। 10 में 5 गए और यहाँ पे बचा 1, 10 में 4 गए 6 और यहाँ पे बचा 2 और 1, 1, 1, 2, 0, 3 आएगा एंड में। और यहाँ पे तो मैंने कुछ मिस्टेक किए क्या, 7 में 5, ओके 6 में 5 गए 1 बचा, 10 में 4 गए 6 बचे, यार तो ये तो नहीं आ रहा, फिर 1500 आ रहा है। 6, 4, 10 का 0, 3, 3, 6, 1, 7 और 7, 2, 9, ओके गलत किया था कैलकुलेशन में, यही आएगा 16, 3, 48, 3×4×x = 7, 3×6, 3×5=15, 3×4=18, 256। तो अगर 4 की पावर करते हैं, 4×4=64, 64×4=64, 4×4=24, 25, 4 पावर 4, 27 का² 729, 19×28=8, 19×19=20, 21, 22, तो 9×8=17 के 7, तो 2×4=5, 7×2=957, 525 माइनस करोगे तो आएगा 3 और 2 और 4, 432। नेक्स्ट है 64×5, 25, 5×2=10, 2×2=32, तो 5×2=0, 5×3=15, 16×160 आ जाएगा, 400 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 562 हो जाएगा, ठीक है। और 562 में से 36 माइनस करोगे तो 0, 10 में 4 गए, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है, 64 और पहले ब्रैकेट का सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 2, 5.10, तो 5×25=25, 5×2=10, 2×32, तो 5×2=0, 5×3=15, 16×160 आएगा और 402 इसमें ऐड करोगे 562 आएगा, ओके। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, और इसमें माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ नहीं रही है, ओके 64 और ब्रैकेट में 250×x/100, 0 0 गया, 5×25=5×2=10, 2 आ गया, 32×64, 5×2=0, 5×3=15, 16×160 ही तो आ रहा है, ओ शिट गलत कर रही हूँ यार कैलकुलेशन, 402 माइनस करोगे 0 0 और 2×3=3200, 0 से 0 गया, 16×32=20 आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही, 8×7=56 और 8×9=16, 72, 3×6=3, 3×7=21 और 2 से डिवाइड करोगे तो 108, 8×5=5, 5×9=5, 5×5=16, 17, 18, 19, 15×4=19 हो गया, देन माइनस 6=5 से तो 20×25=100, तो 20 और 75 ऐड करोगे तो 95 हो जाएगा और इसमें माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा। देन ये क्वेश्चन है यहाँ पे इसको स्किप करते हैं और ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाएंगे और बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन ना स्किप हो जाएं, ओके यहाँ पे क्वांटिटी भी दी गई है, ये वाला कर लेते हैं पहले, 281+x=17×32, 17×34=4, 17×51=52, 54 और यहाँ पे 3×14=6 और 2×2=63, 12×6=72 और 24 प्लस कर दोगे 96 हो जाएगा और इसमें 11 माइनस कर दोगे तो 85 के अराउंड आंसर आएगा, क्लोज ऑप्शन होना चाहिए ना, 84 हो सकता है। देन इसके बाद 23 को 24 लिख लो और 11 ऐड करोगे तो 35 हो जाएगा और 7 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, 5×30, 5×15=16, 17, 18, 180, 8×64=36, 6×4=0, 6×2=8=9, 90 हो जाएगा और 59×60=3600, 3600 अगर है 0×0=9×36=40 आ जाएगा।
ओके आगे के कुछ क्वेश्चन ये वाला कर सकते हैं, एक निश्चित द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट एग्जामिनेशन, तो 6 से गुणा कर दो 0, 6 48 के 8, 6 दुनी 12, 4 16 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इज 36 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज दिस, टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स मान लेते हैं पास्ड एक्स है तो 30x हो जाएगा, पास वाले मान लेते हैं एक्स है तो फेल वाले कितने हो जाएंगे 60 माइनस एक्स, तो प्लस 60 माइनस एक्स और मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू कितना टोटल 680 तो 36x और 12x माइनस करोगे तो 24x बराबर 1680 में से 12 छंग 72 माइनस करोगे तो 16 में 7 गए 9 24 को 96 एक्स की वैल्यू 40 आ गई, पूछा कौन सा है यहाँ पे पास्ड स्टूडेंट तो 40 आंसर हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस, द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू गो इन द प्लेस वेयर कम इज 32, ये क्या है द टोटल टाइम 32 एक बटा 2 फाइंड द डिस्टेंस, ओके मान लेते हैं डी डिस्टेंस है ठीक है और अगर जाता है तो 26 10 36 हो जाएगा प्लस डी डिस्टेंस से माइनस करेंगे तो 10 16 हो जाएगा इक्वल टू 32 एक बटा 2 तो 32 64 65 बटे 2 हो जाएगा, तो अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 6 6 16 इधर 36 इधर हो जाएगा तो 6 6 12 के 2 3 1 4 5 52 डी अपॉन 36 गुणे 16 इक्वल टू 65 बटे 2 13 52 13 5 65 2 8 16 4 9 36 9 8 5 40 और गुणे 9 9 6 36 360 आ जाएगा। पी एंड क्यू वर्क इतने डेज, तो पी प्लस क्यू काम करते हैं 6 3 18 19 20 6 3 18 2 20 20 बटे 3 डेज में, पी अकेला 12 दिन में करता है तो इसका एलसीएम कितना ले लेंगे मान लेते हैं एलसीएम है 36 है तो कितना आएगा सॉरी 36 नहीं 60 मान लेते हैं एलसीएम तो 20 3 60 3 3 9 आ जाएगा ये और 12 5 60 पी आ जाएगा तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4 है ना, तो कितने दिनों में वह काम पूरा करेंगे और पी से शुरू करते वैकल्पिक दिनों में होता है ओके अल्टरनेट डेज पे पी से स्टार्ट करते हैं तो पहले पी काम करेगा ठीक है और उसके बाद क्यू काम करेगा तो मान लेते हैं कि 4 से इसको 4 दिन ये करेगा तो 5 को 20 काम ये करेगा 5 से 5 25 काम ये करेगा और 5 को 20 काम ये करेगा 45 काम हो जाएगा ठीक है 5 5 दिन दोनों काम कर चुके हैं फिर ये 5 काम करेगा और एक दिन ये करेगा तो 45 और 5 50 काम यहाँ पे हो गया है और फिर अगर 2 से कर दो तो 10 4 2 8 8 और 1 9 18 और 8 5 13 4 65 हो जाएगा तो एक दिन ये काम कर लिया तो यहां से 50 काम हो गए देन अगले दिन ये करेगा तो 4 50 और 4 54 काम हो जाएंगे फिर 5 ये करेगा तो कितना हो जाएगा 5 9 59 काम हो जाएगा यहां से तो 5 5 10 11 12 13 दिन तो ये हो जाएंगे ठीक है उसके बाद 4 गुणे 1 लाना है ना तो 1/4 तो प्लस 1/4 हो जाएगा 13 1/4 हो जाएगा फिर पी क्यू आर की दक्षता दी है आर टैंक को 1 घंटे 12 मिनट में भर सकता है आर टैंक को इतनी देर में भर सकता है 1 घंटे 12 मिनट यानी 1 घंटे 12 5 60 1/5 5 1 5 6/5 कह सकते हो ठीक है तो 1 की वैल्यू है इतनी और पूछ क्या रहा है तो टैंक को भरने के पी क्यू आर द्वारा लिया गया समय 3 2 5 1 6 तो कितना आ जाएगा 36/5 मिनट 3 2 5 आर टैंक को भरने में इतना टाइम लेता है उनकी दक्षता दी है ओके ओके 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/1 तो अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रेशियो 2 3 6 और यहाँ पे 6 तो 6 6/5 1 1/5 तो 6 6 12 3 15 6 6 12 3 15 तो 15 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इतना टाइम यहाँ 1 घंटा 12 मिनट है तो कितना आ जाएगा ये 6/5
छह की वैल्यू दी गई है 6/5, एक की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो तीनों के द्वारा लिया गया समय मेरे को इससे हो नहीं रहा, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा फिलहाल, तो इसको मैं बाद में कर देंगे। यहाँ पे 75% टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन स्टोर ए इज इक्वल टू 80% ऑफ ए का 75% और 80% है वो बी के। तो दो दुनी 4, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा, ए बटे बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 दुनी 16 बटे 5 से 15, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन सी इज 25% लेस देन ए, सी में ए से 25% लेस हैं, 12 आ जाएंगी। देन द नंबर ऑफ बी इन व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ सी, बी में 15 और सी में 12, 3 चौक 12, 3 5 15, 4 से 25 100, 25 5 125%। हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंटरेस्ट इज रिवाइज्ड मुकेश इतना एंड बाला इतना रुपीज 2 for 2 लेंथ इतना सिंपल इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ इतना, इसको बाद में करेंगे। 2 years ago द एज ऑफ ए वाज 5 years, 2 years ago द एज ऑफ ए, 2 years ago द एज ऑफ ए एंड 5 years hence, 5 years hence the age of B is equals to 2/3, 10 years ago the average of B minus 10 and plus C minus 10 upon 2 equals to 22, यानी कि 4 4 हो जाएगा, 10 10 B से हाइड होगा, 64 हो जाएगा B plus C। यहाँ पे 3A minus 6 equals to 2B हो जाएगा plus 5 2 10, तो 3A minus 2B equals to 16। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए इफ द एज ऑफ सी आफ्टर 6 years, अगर 6 साल के बाद 45 है तो यानी प्रेजेंट में 39 है, तो 14 महीने हो गए 5 और 5 में 3 25 आ जाएगी बी की प्रेजेंट, 25 50 66, ए की पूछ रहा है 33 हो जाएगा, तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं। प्रेजेंट एज ऑफ ए 6 साल बाद अगर 45 है तो अभी 39 होगी, तो 14 में ये 25 आ गया, बी की वैल्यू 25 50 यहाँ रख दोगे 66 आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, 3 2 6 22 ईयर्स, गलत कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं। ए भी तो ट्रेन की लंबाई दी है, इनकी गति विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों को ऐड करोगे 200 350, सेम डायरेक्शन तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस 175, कितना समय लगेगा बताना है, 5 बटे 18 18 ऊपर हो गया, 5 7 35 0, 7 2 14 7 5 35, 7 7 5 2 10, 5 25 और 18 36 बटे 5, तो 7.2 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, अंकित मूल्य 3500 है, तो सीपी से 25% अधिक है, तो 5 7 35 7 6 2800 हो जाएगा सीपी, ठीक है। और वस्तु का अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही 15% की, तो क्या पूछ रहा है, वस्तु का लाभ प्रतिशत बताना है, तो कितना आ जाएगा, इंटू 85 जीरो 3 5 15 3 8 24 25, 5 5 25, 5 8 40 और 2 42, 5 7 5 9 2, तो कितना का प्रतिशत प्रॉफिट है, तो 75 और 1 28, 7 14 7 5 7 28, 4 6 24, 6.1 आ जाएगा, थैंक गॉड एक क्वेश्चन तो ठीक हो गया। नेक्स्ट है पजल, 8 boxes आर केप्ट वन अबव अनदर इन सच दैट लोअर मोस्ट इज 1 एंड अपर मोस्ट इज नंबर सेल्फ एंड्स 1 2, तो 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट कह रहा है कि आई इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर शेल्फ, एक कंडीशन ले लेते हैं कि आई मान लेते हैं कि 8 पे होगा या 6 पे हो सकता है या 4 पे हो सकता है या फिर 2 पे हो सकता है। इफ इज केप्ट 2 boxes बिलो आई, तो इसका मतलब कंडीशन लास्ट वाली गलत,
और एफ यहाँ हो सकता है, एक छोड़ के एफ यहाँ, एफ यहाँ, ओनली थ्री बॉक्सेस बिटवीन एफ जी, एक दो तीन जी यहाँ पे हो जाएगा, एक दो तीन, एक दो तीन जी यहाँ पे हो जाएगा, एक दो तीन जी, एज मैनी बॉक्स किप्ट बिलो जी इज सेम एज अबव जी, तो एक दो छोड़ के जे यहाँ, जे यहाँ और इसमें जे यहाँ, ओनली टू बॉक्सेस किप्ट बिन एच एल, ठीक है, विच इज किप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एम, एम के जस्ट नीचे एल है, अगर एम यहां ले लें, एल यहां ले लें और एक दो छोड़ के एच यहां, तो एल एम और एच, इसमें अगर हम एम के नीचे एल और एक दो छोड़ के एच, ये कंडीशन हो जाएगी, एम एल हो जाएगा और यहां पे एम हो जाएगा, यहां एल हो जाएगा, एक दो छोड़ के एच नहीं आएगा, ये कंडीशन हुई गलत, के इज नॉट केप्ट बिलो एम, के जो है एम के नीचे नहीं, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, के यहां हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स के, इमीडिएटली अबव के है जी, जो आई से दो बॉक्स ऊपर है, ये सही हो जाएगा, हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन आई जे, आई एंड जे, एक दो तीन चार, चार है इसके बीच में, तो जितनी आईज मेनी बॉक्स केप्ट अबव एफ, हाँ ये हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग केप्ट ऑन सेल्फ थ्री, एम है इसके ऊपर, जो एच से दो नीचे रखा गया है, ये सही हो जाएगा, इफ ऑल द बॉक्सेस आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द टॉप देन हाउ मेनी रिमेन अनचेंज्ड देयर पोजीशन, एफ जी एच आई जे के एल, एल केवल अपनी पोजीशन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल, ओनली थ्री आर बिटवीन एच एम, एच और एम के बीच में थ्री है, पहला गलत है, आई इज किप्ड इमीडिएटली अबव एच, ये सही है, सेकेंड वाला ट्रू है, और लास्ट में एल एंड एफ आर केप्ट एडजेसेंट, एल यहाँ पे है, एफ अलग है, तो नहीं होगा, सिर्फ सेकेंड ट्रू है, नेक्स्ट यहाँ पे बी ग्रेटर देन एन होगा, बी है और सारे साइन एक साइड है, तो बी ग्रेटर देन एन सही है, जी ग्रेटर देन टी, जी और टी ये भी सही है, तो बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू यानी ई ऑप्शन, एच ग्रेटर देन आर, एच ग्रेटर देन आर नहीं है, ए ग्रेटर देन एम और ए ग्रेटर देन एम भी नहीं है, तो बोथ आर नॉट ट्रू, नाइदर नॉर डी वाला ऑप्शन, टी ग्रेटर देन इक्वल वाई, तो टी यहां पे है और वाई से रिलेशन बन रहा है एम का, सॉरी एम का नहीं एच का, तो वाई ग्रेटर देन एच भी नहीं है और टी ग्रेटर देन इक्वल वाई, अगर हम एच को लेते हैं तो टी ग्रेटर देन इक्वल एच और एच ग्रेटर देन वाई, गलत हो जाएगा, वाई ग्रेटर देन एम, तो वाई ग्रेटर देन एम भी नहीं होगा, ठीक है, वाई ग्रेटर देन एम भी नहीं होगा, तो यहां पे अगर दोनों को लेते हैं, अगर बोथ साइन ले लें टी इक्वल्स टू एम के है तो आइदर और हो जाएगा, यहां पे एस ग्रेटर देन के, एस ग्रेटर देन जी, एस ग्रेटर देन इक्वल जी एंड जी ग्रेटर देन के, सही है पहला, डब्ल्यू ग्रेटर देन डी, डब्ल्यू ग्रेटर देन के एंड के, के से क्या है जी ग्रेटर देन के, तो जी ग्रेटर देन के एंड जी इक्वल्स टू डी, तो दूसरा गलत होगा, केवल एस ग्रेटर देन के सही है ना, एस ग्रेटर देन के तो सही है, पहला सही है यहाँ पे, एस ग्रेटर देन जी एंड जी ग्रेटर देन के, यस था सही और साके गलत है, नेक्स्ट यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, ओनली अ फ्यू कीवीज आर कोकोनट, ऑल कीवीज आर एप्रिकोट, नो एप्रिकोट इज लीची, तो यहाँ पे ट्रू ही पूछ रहा है, राइट, तो सम एप्रिकोट आर कोकोनट, एप्रिकोट कोकोनट पहला सही है, नो कीवी इज लीची दूसरा भी सही है, तो बोथ आर ट्रू के लिए है ऑप्शन नंबर बी, ओनली यू इज मी, तो ऑल मी इज यू, ऑल आई इज यू, तो ऑल आई इज यू, सम वी इज आई, सम वी इज आई, तो सम वी इज मी कांट से, सम आई बींग मी, सम आई बींग मी, ओनली यू इज मी तो आई नहीं होगा, आई बींग मी गलत है और वी मी भी, वी और मी भी गलत है, कि सम वी मी होगा नहीं होगा, तो बोथ आर रॉन्ग, सो आंसर नंबर सी, मोस्टली रिंग्स आर स्क्वायर और एवरी स्क्वायर इज सर्कल,
नो सर्कल इज एंगल. तो सम रिंग्स आर नॉट एंगल, सम रिंग्स आर नॉट एंगल, सही है. सम एंगल्स आर नॉट रिंग, कांट से एंगल्स रिंग का नहीं कह सकते, बट रिंग वाला एंगल ये सही होगा. अरे यार गलत टिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ओनली वन के लिए डी ऑप्शन है. नो पीएम इज सीएम और अ फ्यू सीएम इज एएम और सम एएम इज पीएम. सम एएम का पोर्शन जो है वो पीएम है. तो पहला क्या है, ऑल एएम कैन बी पीएम, ऑल एएम कैन बी पीएम नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहां पे ये वाला पोर्शन पीएम नहीं है. तो ऑल सीएम कैन बी एएम, ऑल सीएम कैन बी एएम, ऑल सीएम अफ्यू सीएम इज एएम. तो अगर अफ्यू सीएम इज एएम तो ऑल सीएम कैन बी एएम, ये मुझे थर्ड वाला सेकंड वाला सही लग रहा है, और ऑल एएम जो है वो पीएम होंगे ये गलत होगा. तो सेकंड ट्रू है यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए. ओनली अ फ्यू डेज आर नून, ऑल नून आर नाइट, सम नाइट्स आर डार्क. तो सम डार्क कैन बी डेज, सम डार्क कैन बी डेज, ओनली अ फ्यू डेज आर नून, बट सम डार्क कैन बी डेज पहला सही हो सकता है. सम नून आर डार्क, डार्क ये है और नून यहां पे, तो ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, पहला सही है, फोर्थ ऑप्शन. अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग द लीनियर रो एंड फेसिंग इन द टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है. अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन द लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, और आर लेफ्ट में है, आर सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर हो गया. एक कंडीशन और ले लेते हैं, आर वन टू थ्री एम, ओनली फोर पीपल सीट बिटवीन एम एंड यू, एक दो तीन चार यू यहां पे ले लेते हैं, एक बार हम यू को यहां ले लेते हैं. हु इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ठीक है. ओनली टू पर्सन बिटवीन एक्स आर, एक दो छोड़ के यहां पे आर नहीं, एक्स नहीं हो सकता, तो एक्स यहां हो जाएगा, और एक दो छोड़ के एक्स यहां हो जाएगा. एक्स सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम आई, तो आई यहां पे हो जाएगा, टू प्लेसेस अवे फ्रॉम आई भी यहां पे भी हो सकता है या इधर हो सकता है. द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एक्स यू इज सेम एज नंबर बिटवीन वाई आई, एक्स यू के बीच में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, तीन तीन छह तीन नौ, एक दस लोग हैं एक्स यू के बीच में, वाई आई के बीच में भी सेम होंगे. और आई हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वाई, ओके दस होंगे अगर, तो अगर यहां पे है तो तीन तीन छह तीन नौ दस, वाई यहां हो जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यानी वाई जो है एक छोड़ के आई यहां पे आएगा और दो दो चार दो छह दो आठ दो दस, वाई यहां पे आ जाएगा. नेक्स्ट करा, आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड ओ, ओ हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड ओ, आर एंड पे ओ एंड पे है, ठीक है. के सिट्स फोर टू द राइट ऑफ आई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के यहां जाएगा. डी सिट्स सिक्स फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, एक दो तीन चार पांच छ सात, अगर ओ को यहां ले लें, कह रहा है कि आई के बीच में वाई ओ के बीच में एग्जैक्टली है आर, आर जो है तो इधर दो दो चार है, दो दो चार एक दो तीन चार पांच है, और एक दो तीन चार मैंने कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, एक्स और यू के बीच में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, तो आर सिर्फ वाई ओ के एग्जैक्टली बीच में, वाई यहां पे है और ओ एक एंड पे है, एक दो तीन चार पांच छह सात, अगर तीन और दो पांच यहां पे हैं, दो दो चार दो छह सात है, तो अगर ओ को यहां मान लेते हैं तो एक दो तीन
आर एग्जैक्टली मिडिल में है वाई ओ के बीच में, तो एक दो तीन चार पांच इधर है, एक दो तीन चार पांच, तीन दो पांच, यानी ओ यहाँ पे होगा, और हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड, तो ओ हो गया यहाँ पे, के सिट्स फोर टू राइट ऑफ डी सिक्स, सिक्स फ्रॉम द वन ऑफ द एंड, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, डी यहाँ हो सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ डी नहीं हो सकता, ठीक है। कौन सा के दाएं से पांचवा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, डी हो जाएगा। एक्स डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के बीच कितने हैं, डी के बाएं दूसरा ये है और एक्स के बीच में दो, तो चार लोग हैं, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा। एज मैनी सिट टू द राइट ऑफ आर इज सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ, आर के राइट में है तीन, तीन छह तीन नौ, तो तीन तीन छह तीन नौ, एम हो जाएगा। एम मीन्स जो वाई के, एम का मतलब जो डी के तत्काल बाएं बैठा है, एक ही कंडीशन हो सकती है। फोर ऑफ द फाइव इज सेम, तो एक्स आर के बीच में है दो लोग, एम वाई के बीच में है, ठीक है, सेम है डी यू, डी यू के बीच, और ओ एक्स, ओ एक्स के बीच एक है, डी यू के बीच में भी एक है, और एम आर, ये आर है ये एम है, इसके बीच में कोई भी नहीं बैठा है, तो मुझे लग रहा है एक्स आर एम वाई डी यू, डी और यू, इसके बीच तीन हो रहे हैं, ओ एक्स इसके बीच भी दो हैं, एम आर, एम आर के बीच में भी दो हैं, तो यहां पे ये रॉन्ग है। कितने व्यक्ति बैठे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन लोग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सिक्स पर्सन इन डिफरेंट नंबर ऑफ शर्ट, पी हैज फोर शर्ट्स मोर देन एस, पी हैज फोर शर्ट्स मोर देन एस, जे हैज लेस शर्ट्स देन ओनली, ओके, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कह रहा है कि जे हैज लेस नंबर ऑफ शर्ट्स देन ओनली एम, ठीक है, क्यू हैज थ्री शर्ट्स मोर देन पी, एस डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ शर्ट्स, एस यहां पे नहीं आएगा, द वन हु हैज सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ शर्ट्स हैज थर्टीन, कह रहा है कि एस डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर, एस यहां नहीं आएगा, और द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड एस इज वन लेस देन नंबर ऑफ एल, क्यू के पास पी से ज्यादा है और पी के बाद पास एस से ज्यादा है, तो क्यू अगर यहां होगा और एस यहां पे होगा नहीं, ठीक है, क्यू हो गया है, पी अगर पी यहां पे होगा, क्यू हो जाएगा और एस, पी यहां हो जाएगा और एस अगर यहां पे हो जाए, तो एस से अगर ये तेरह है तो चार तीन सात सत्रह ये हो जाएगा, और सत्रह तीन बीस हो जाएगा, क्या है डिफरेंस बिटवीन क्यू एस, सात का है, वन लेस देन द शर्ट ऑफ एल, यानी छह होंगी, सो यहां पे कह रहा है पी एस के ऐड करना है, पी और एस सत्रह दस दस बीस दस तीस आ जाएगा। यदि पी एस के बीच का अंतर, पी और एस के बीच का अंतर कितना है, चार का, जे क्यू के कमीजों का अंतर का दोगुना हो, जे और क्यू का दोगुना, यानी कि इसके बीच दो का अंतर यहां पे बाईस होगा, फिर तो जे के पास कितनी होंगी, 22। नेक्स्ट है कितने व्यक्तियों के पास मोर नंबर ऑफ शर्ट्स हैं देन पी, थ्री पर्संस, इन अ फैमिली ऑफ एट मेंबर्स टू मैरिड कपल, वी इज द फादर ऑफ एच, एच हु इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, एंड एस इज द मदर ऑफ जी, एस इज द मदर ऑफ जी, जी हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, ओ इज द नेफ्यू ऑफ एल, टी हैज ओनली वन सन, एम इज द फादर ऑफ वी, एम इज द फादर ऑफ वी एंड स्पाउस ऑफ टी, जी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, और टी हैज ओनली वन सन, तो ये डॉटर होगी, ओ टी से कैसे संबंधित है, तो ग्रैंडसन, एल की मदर कौन है,
मदर ऑफ एल इज टी. ओके, तो एट पर्सन से गोज इन डिफरेंट बट नॉट नेसेसरली एटलीस्ट वन पर्सन एंड बट नॉट मोर देन वन. ओके, IBPS, SBI और SSC. जी गोज नाइदर IBPS नॉर SSC CGL. तो जी कहाँ हो जाएगा, SBI हो जाएगा. एच एंड जी आर गोइंग इन डिफरेंट, तो एच या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा. डी एंड के गोइंग फॉर द सेम बट नॉट गो विद GH. डी के गोइंग टू द सेम, मान लो डी और के यहां पे हैं, तो एच यहां हो जाएगा. इफ गोज फॉर नाइदर SBI पीओ और नॉर SSC, SBI नहीं SSC नहीं, तो एस यहां जाएगा. ई एंड जे आर गोइंग फॉर बोथ बट नॉट SBI. ई एंड जे आर गोइंग बोथ फॉर द सेम एटलीस्ट वन बट नॉट मोर देन थ्री. तो K के साथ कौन जाता है, S और K के साथ में जाते हैं D. K के साथ में कौन जाता है, IBPS PU परीक्षा जो देता है वो जाता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा. Which of the following is goes person for SBI, तो यहाँ पे HI हो जाएगा, फर्स्ट ओनली होगा, क्योंकि H और D तो होंगे नहीं. ये F K से संबंधित है, एट persons E and J are going for same. F goes for SBI now. G and H. F goes for neither SBI nor SSC. तो F मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है. F यहां पे होगा neither SSC nor SBI. और E, J are going for same. D, K are going for same. ओके, तो K के साथ कौन जाता है, तो ये सही है. Goes for SBI are G और I. I हो जाएगा. F जो है वो K से संबंधित है और E एक निश्चित तरीके से H से संबंधित है, तो निम्नलिखित में I से संबंधित G होगा. कौन से पर्सन हैं जो सेम में जाते हैं, डी आई पेयर है, नहीं है, एच जे ये हो सकता है, जी आई हो सकता है. सेकेंड थर्ड इज ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, SBI पीओ एच, IBPS पीओ एफ, ये सही है. ओके, ये क्वेश्चंस मेरे स्किप नहीं होने चाहिए. हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड फॉलोड बाय अ नंबर, यानी कि नंबर सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर और पहले एक लेटर आएगा, तो एक हो गया. सिंबल के बाद नंबर नहीं है और सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही है, ओनली वन. इतना है तो यहाँ पे क्या आएगा उसको बाद में देखेंगे. लिखने में कौन सा बाएं छोर से चौथे तत्व के दाएं छठा है, तो छह चार दसवां, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, सी हो जाएगा. उल्टे क्रम में लिखा जाए 16 तत्वों को स्थिति को पहले, तो कौन सा दाएं से 23वां होगा, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, टू हो गया. तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, एफ हो जाएगा. ऑल द सिंबल्स इन द ड्रॉप विच ऑफ द एलिमेंट विज टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एट हो जाएगा. ओके, मैंने सबमिट भी कर दिया और अटेम्प्ट हो गए थे, तो यहाँ पे मेरा स्कोर रहा है 78.5 और अटेम्प्ट थे मेरे 91, एक्यूरेसी 89% रही है और 10 क्वेश्चंस मैंने इनकरेक्ट किए हैं इंग्लिश में और यहाँ पे स्कोर 17.5 है. 33 यहाँ पे रीजनिंग में हुए हैं, क्वेश्चंस कुछ स्किप हो गए थे लास्ट के, जैसे आपने देखा होगा, तो यहाँ पे 33 स्कोर रहा है और क्वांट में 28 रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश काफी खराब हुआ है, लेकिन तब भी ओवरऑल जो स्कोर है 81 मेरे क्वेश्चंस करेक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 78.5 है. तो यहाँ पे इतना ओवरऑल स्कोर रहा है और अपना स्कोर शेयर करिएगा आपका कितना रहा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय.